खुदावन से पहुंची और क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। सब लोग जरा पीछे बोले, ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और ये मैं तुमको भी पहुंचा दी। सबसे बड़ा बरकत क्या मालूम है? खुदावन से मिलकर लोगों को देना है सबसे बड़ी बात। प्रेज गॉड। आप लोगों को मालूम है, एक बार यीशु ने अपने चेलों को कहा, बहुत भीड़ है, तुम लोग उनको खाने के लिए देना। कौन? चेले लोग। चेले लोग ने अपने आंखों को जरा चारों तरफ घुमा कर देखा तो उनको समझ में आया उनके हाथ का काम नहीं है, क्योंकि उनसे बजट से भी बड़ा लोग आया हुआ है, 5,000 लोग आया है। इसलिए चेले लोग ने क्या बोला मालूम है? आज का मीटिंग हम लोग प्रेयर करके बंद करेंगे, सब लोगों को घर जाने के लिए बोलो। यीशु ने बोला ऐसा नहीं, आज आया हुआ लोगों को तुम लोग खाना देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा यीशु का खासियत ये है, खाली रूहानी रोटी देने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि जिस्मानी रोटी भी देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक बहन को, एक छोटी लड़की को यीशु ने जिंदा किया। जिंदा करने के वक्त उसके घर में जाकर सबको बाहर किया, माँ और बाप को रखा और 3 चेलों को रखा, पत्रुस, याकूब और यूहन्ना को रखकर उस लड़की के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के वक्त वो मरी हुई बेटी जिंदा होकर खड़ी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जिंदगी में मौजूदा हुआ, लेकिन वहां पर यीशु ने खत्म नहीं किया। यीशु ने मां बाप को क्या बोला मालूम है? इस बेटे को खाने के लिए भी कुछ दो। रूहानी जान देने वाला परमेश्वर खाली नहीं बल्कि अपना जिस्मानी रोटी के बारे में भी सोचने वाला एक स्वर्गीय बाप है। आप लोग को एक भरोसा का बात कहता हूं, आपका काम के लिए, रोटी के लिए, घर के लिए सोचने से भी बढ़कर स्वर्गीय पिता आपके बारे में सोचता है। प्रेज़ गॉड। तो यीशु ने यहां पर हम देखते हैं कि चेलों से कहा कि तुम लोग इन लोगों को रोटी देना, 5,000 लोगों को रोटी देना। तो उन लोग ने सबने अपने हाथ का चीजों को देखकर बोला, हमारा सारा पैसा अगर इकट्ठा करेगा तो भी ये नहीं होगा, इतना दिनार ही होगा तो भी नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। इनका प्रॉब्लम क्या था? यीशु मसीह ने जब भी कुछ करने के लिए बोला, वो लोग सबसे पहला अपनी ओर देखने लगे कि उनके पास कितना है ताकि वो दे सके। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अपने अंदर उतना नहीं है जो खुदावन के काम के लिए या किसी काम के लिए फायदामंद हो सके। अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ से कोई भी काम या कोई भी बातें जो है काम नहीं आएगा। आप लोग मुझे पूछो, लाजर को यीशु ने क्यों जिंदा किया? आप लोग मुझे बोलेंगे लाजर को यीशु ने प्यार किया, अच्छी बात है। फिर किसके लिए जिंदा किया? लाजर को, घर को खुदावन प्यार करता था, अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूं क्यों यीशु ने लाजर को जिंदा किया? क्योंकि लाजर खुद कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए यीशु ने उसको जिंदा किया। मेरा बात को समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग के जिंदगी में खुदावन का शक्ति, खुदावन का सामर्थ्य कभी आएगा मालूम है? जब आप बोलना बंद करेंगे, मेरे अंदर कुछ नहीं है परमेश्वर, एक लाशर के जैसा मैं पड़ा हूं, लेकिन तेरा कुवत, तेरा शक्ति जब मेरे अंदर आएगा, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं। प्रेज गॉड। हमारे अंदर कोई रिसोर्सेस नहीं है, हमारे अंदर की चीजों को नहीं देखे। यीशु ने कहा कि किधर जाएंगे रोटी के लिए? उन्होंने देखा पैसा से हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन इंद्रियास ने क्या किया? इंद्रियास का उस जमाने से एंड तक उसका काम क्या था मालूम है? लोगों के बीच में काम करना। उसको पुलपिट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर पीटर याहुन्ना को सब पुलपिट चाहिए प्रचार करने के लिए, लेकिन इंद्रियास के लिए ऐसा जरूरत नहीं। इंद्रियास लोगों के बीच में जाकर लोगों का जरूरतों को देखता, वो भी एक मिनिस्ट्री है। पुलपिट में प्रचार करना भी एक मिनिस्ट्री है, लोगों के बीच में उतर के काम करना वो भी एक मिनिस्ट्री है। पीटर को किसने लेके आया? इंद्रियास ने लेके आया।
ये लोगों के बीच में ये लड़के के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली लेकर कर किसको मालूम पड़ा? इंद्रियास को मालूम पड़ा। आगे चलकर यूहन्ना 12 में लिखा है कि कुछ ग्रीक लोगों को यीशु के पास किसने लेके आया मालूम है? इंद्रियास ने लेके आया। इंद्रियास का नाम लिस्ट में सबसे पहला नहीं होएगा तो भी, हालेलुया, पत्रोस को और बहुत सारे लोगों को लेके आने के लिए इंद्रियास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसी तरह लोगों के बीच में काम करने वाले भाइयों बहनों, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया के नजर में आप लोग बड़े नहीं होंगे, लेकिन खुदावन के स्वर्ग के नजर में आप एक बड़ा व्यक्ति है। प्रेज गॉड। इसके लिए पुलपिट के लिए, गद्दी के लिए, बड़े नाम के लिए, पोजीशन के लिए प्यार में नहीं रहना। प्रभु मुझे लोगों के बीच में इस्तेमाल कर, क्योंकि खुदावन लोगों से प्यार करता है। प्यार करने वालों को खुदावन लोगों के लिए मैसेज आपको देगा। पॉल के हाथ में, पौलुस के हाथ में हमेशा लोगों के लिए एक मैसेज था। क्यों मालूम है? क्योंकि पॉल लोगों को अपने दिल में रखता था। खुदावन भी ऐसे ही है। खुदावन ने कभी ऐसा आपको बोला है, बेटा तू आया है लेकिन मुझे कहने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास मैसेज नहीं? कभी खुदावन ने बोला है? कभी भी खुदावन के पास जाओ, आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि आप लोगों को खुदावन उनके दिल में रखता है। ऐसा है तो खुदावन के खादिम लोग आप लोग क्या करना, लोगों को अपने दिल में रखना खुदावन के जैसा। लोगों को जब आप अपने दिल में रखेंगे, उनके लिए मैसेज खुदावन आपको देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु ने बोला तुम लोग खाना दो, ये लोग बहुत परेशान हो गए। यीशु मसीह एक 20-25 लोग है तो हम लोग थोड़ा मैनेज कर सकता है, लेकिन ये 5,000 लोगों को खाना हम लोग इधर से देगा। हमारा विषय क्या मालूम है? पौलुस ने कहा, मैं ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। कोई भी स्पिरिचुअल बात होने दो, कोई भी बात होने दो, हमें खुदावन से पहुंचना चाहिए। फर्स्ट स्टैंड खुदावन से पहुंचेगा तो ही लोगों को फायदा होगा। इंसान का आवाज सुनने के लिए कौन आना चाहता है? कुछ लोग कॉमेडी देखते हैं, हर हफ्ता कॉमेडी देखते हैं, देख के थक गए, कॉमेडी बंद कर दिया, फिर सोचा कि चलो गीत सुनते हैं। इंसान का आवाज ही टीवी में, रेडियो में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब में इंसान की आवाज है। न्यूज खोलो, इंसान की आवाज। लेकिन चर्च में भी इंसान का आवाज होगा तो कैसा लगेगा? उन लोग बोलेंगे कि ब्रदर हम लोग 6 दिन तो यही सुन रहे हैं, इधर भी आके आपका इंसान का आवाज, हम लोग क्यों आ रहे हैं? आपको देखकर नहीं, हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको खुदावन की आवाज को सुनना है। खुदावन का आवाज अगर आना है तो खुदावन से मिलकर लोगों को देंगे तो ही खुदावन का आवाज आएगा। तो जैन लोग ने बोला कि हमसे मुश्किल है, यीशु ने बोला कितना रोटी है, कितना मछली है? 5 रोटी 2 मछली, इससे क्या होने वाला है? बैठो, सबको बैठने के लिए बोलो, इससे क्या होने वाला है? यीशु का एक खासियत देखना, 5 रोटी 2 मछली को लेकर ऊपर उठाकर धन्यवाद किया। क्या किया? ऐसे लिखा है, 5 रोटी और 2 मछली को उठाकर क्या किया? शुक्रगुजारी किया, धन्यवाद किया। हम लोग होते तो क्या करते थे? परेशान हो जाते थे, परेशान से भी ज्यादा। 5 रोटी देखो क्या दिया मेरे हाथ में। हम लोग यही बोल रहे हैं ना, अभी भी 700 सैलरी से नहीं हो रहा है ब्रदर, 3,000 से भी, 8,000 से भी क्या दिया है? देखो जो मिला है ना उसके लिए शुक्रगुजार पहले करो, जितना मिला है उसके लिए शुक्रगुजार किया है? अभी तक किया है तो खुदावन बढ़ा के देगा। यीशु अपना एग्जाम्पल, यीशु ने रोटी लेकर शुक्रगुजार किया। कितना लोग है आगे? 5,000 लोग। बाइबल का खासियत, 5,000 लिखा है तो भी 5,000 नहीं, उससे ज्यादा है, लेकिन बाइबल कितना बोला है? 5,000। हम लोग बोलते तो कितना बोलते थे? एक कम से कम 40-50,000 लोग आया था। फिर बड़ा प्रभु का दया है, हम लोग ये सब दिया। बाइबल देखो 5,000 ही बोला है। इसमें एक क्यों बोला मालूम है? बाइबल अगर कुछ बोलता है तो हमेशा ज्यादा ही एक्सपेक्ट करना।
5000 बोला है तो 5000 उससे ज्यादा है, ऐसा है तो खुदावन ने अगर कुछ बरकतें या कुछ वादा है आपकी जिंदगी में बोला है, हमेशा समझ लेना उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। प्रेज गॉड, उठाकर शुक्रगुजार किया, लोगों को सबको बिठाया, सब लोग खाकर 12 कोटरी भी क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेज गॉड, यहां पर हमको क्या सीखने को मिलता है, चेले लोगों का पैसा यहां पर कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा हुआ? आपका हाथ में अच्छा इंश्योरेंस होएगा तो आपका जान बचेगा क्या? कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर अच्छा इंश्योरेंस होएगा तो थोड़ा फायदा है, कोई फायदा नहीं। प्रेज गॉड, पैसा होगा तो बचेगा क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना करोड़ आप यहां पर, ऐसा कोई धनी नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन समझो यूएई में सबसे बड़ा अमीर आप है, और आपने आज का दोपहर का खाना 2000 दिरहम्स का खाना लेके टेबल में रखा है। कितना दिरहम्स का खाना है? उतना महंगा खाना लेके आपने टेबल में रखा, रखने के वक्त खाने के लिए गया पीछे गिर गया। ये खाने से कोई फायदा हुआ आपको? पैसे से कुछ फायदा हुआ? मेरा कहने का मतलब क्या है, जो शरीर जो जीवन हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकता है उसको खुदावन ने मुफ्त में दिया है, तो इसका जरूरत भी खुदावन हमको देगा। प्रेज गॉड, यीशु ने बोला, यीशु यहां पर हमको क्या सिखा रहा है मालूम है, तुम लोग नहीं है मैन्युफैक्चरर्स, मैं है मैन्युफैक्चरर। तुम लोग कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम लोग कौन है? हम लोग जरा छाती में हाथ रख के बोलो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। लेकिन प्रभु मैन्युफैक्चर होना चाहिए। प्रभु क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चर। प्रभु मुझे दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। यहां पर पौलुस कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैं तुमको भी पहुंचा दी। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। कभी नहीं भूलना, प्रभु से मिलने के बाद ही लोगों को हमको देना है। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैं तुमको भी पहुंचा दी। क्या मिला उनको, क्या क्या उनको क्या दिखाई दिया? आगे पढ़ो सिस्टर उसे, कि जिस रात खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, हाँ, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। हाँ, रोटी ली शुक्र करके क्या किया? यीशु मसीह कभी भी रोटी लिया तो शुक्र करके तोड़ा है। प्राइस गॉड, ये क्या चित्र है मालूम है, अगर खुदावन हमें तोड़ता है तो हमें पहला बरकत और फसल देके ही तोड़ता है। प्राइस गॉड, पिछले दिन में वो भाई हमारे बीच में बैठा हुआ, नाम कुछ नहीं पूछना, हमारे बीच में बैठा हुआ है, मैं वो मेरे साथ गाड़ी में शारजा तक आया, वो बहुत कुछ बातें मुझसे कहा, मैं पूरा सुना। मैंने उसको एक बात बोला, खुदावन चाहता है कि खुदावन में तू टूट जाए। खुदावन तुझे क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है। 5 मिनट तक चुप था, मुझे देख रहा है ऐसा, और मुझे बोला ये सच बात है, मुझे टूटना चाहिए। यस, खुदावंद अगर आपको तोड़ेगा तो ही आप बहुत सारे लोगों को फायदामंद होगा, नहीं तोड़ेगा तो। देखिए लुका का, यूहन्ना का इंजील में जरा आएंगे, यूहन्ना का इंजील 21वां अध्याय, 21 का 17 से जरा पढ़ो, यूहन्ना 21 का 17 से। उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शिमोन, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पत्रस उदास हुआ। हाँ, कि उसने उससे तीसरी बार भी ऐसा कहा। अच्छा, खुदावन लेके आता वो उदास के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्राइस गॉड, खुदावन कभी आपको उदास करता है? नहीं ब्रदर, हम लोग ने सुना है कि खुदावन हमको खुशी देता है। इधर देखो, एक बंदे को खुदावन ने उदास कर दिया। क्यों उदास किया? क्योंकि ये अभी तक टूटा नहीं है, उसको उदास कर दिया, उसको अकेला कर दिया। कभी कभी हमारे जीवन में खुदावन अकेला कर देता है, उदास कर देता है। निराशा नहीं होना, खुदावन तुझे तोड़कर बनाना चाहता है इसके लिए।
यीशु का वचन सुनकर उदास हो गया. प्रेज गॉड. अगर खुदावन ने उदास किया है तो मैं कहता हूं रोजा रखो, कितना भी दुआ करो उदास नहीं जाएगा. शैतान ने उदास किया है, लोगों ने उदास किया है, तो एक की प्रार्थना में चंगाई है. लेकिन खुदावन ने उदास किया तो उसको कौन तसल्ली देगा? पत्रोस को खुदावन ने उदास कर दिया. क्यों? क्योंकि पत्रोस तू एक मेरा सेवक बनना है तो ऐसा नहीं चलेगा, तुझे छुटना पड़ेगा. तेरे मुंह से निकलता हुआ कलाम लोगों को छूना है तो ऐसा नहीं चलेगा, तुझे छुटना पड़ेगा. इसलिए उदास हो गया. खुदावन का उदास हमें तौबा की तरफ लेके जाता है. खुदावन का उदास किधर लेके जाता है? आज साइम्स रीडिंग में ब्रदर डेनिस ने कहा, क्या कहा? यहूदा को आया वह उदास फांसी में लेके गया है तो एक बहन को आया उदास उसका पाप का मुक्ति में लेके आया. कौन सा उदास है आपके अंदर? खुदावन ने लेके आया वह उदास है तो आज घुटने में आकर खुदावन में आ जाओ. खुदावन तुझे तोड़कर एक नया सिरे से बनाना चाहता है. विश्वास करते हैं क्या? कितने लोग यहां पर विश्वास करने वाले लोग हैं? यहां पर उदास हो गया. आगे पढ़े उसे. क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ. कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, तू तो सब कुछ क्या करता है? सब जानता है. थोड़ा दिन तक पत्रोस क्या बोलता था मालूम है? मैं ही सब कुछ जानता हूं. अभी तोड़ने के बाद क्या बोलता है? प्रेज गॉड. चेंज देखा आप लोग ने? तू सब जानता है. और उसका 18 जरा पढ़ के देखे वहां पर यीशु ने क्या कहा. मैं तुझसे सच सच कहता हूं, हाँ, जब तू जवान था, हाँ, तो अपनी कमर बांधकर, हाँ, जहां जाता था वहां फिरता था, हाँ, परंतु जब तू बुढ़ा होगा, जब तू बुढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर, हाँ, जहां तू ना चाहेगा जाएगा. इसका दो मतलब है. उसका पहला मतलब मैं आपको बताता हूं, जब तू मैच्योर नहीं था तेरी मर्जी से जाता था उधर इधर, लेकिन जैसे ही मसीह में तू मैच्योर हो जाता है दूसरा कोई तुझे पकड़ के लेके जाता है. तू खुद नहीं चलता बल्कि यीशु मसीह तुझे पकड़कर किधर लेके जाता है? जिधर तू मर्जी करता है वहां पर नहीं बल्कि उसके मर्जी का जगह पर तुझे लेके जाता है. कौन सा चाहिए आप लोगों को? कौन सा चाहिए आप लोगों को? अपनी मर्जी से जाने के लिए इच्छा है क्या? या खुदावन मेरे हाथों को तू पकड़ और तेरी मर्जी जिधर उधर लेके जाओ. प्रेज गॉड. दूसरा मतलब क्या मालूम है? इस दूसरा मतलब यह कि ये पत्रोस किस तरह के का मौत मरेगा कर यीशु ने वहां पर नबूवत किया है. यीशु को सीधा लटकाया है तो पत्रोस को जब मारने के लिए लेके गया सूली में, पत्रोस ने क्या बोला मालूम है? मैं सीधा नहीं लटकूंगा क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं. मैं यीशु का पांव को छूटकर मरना चाहता हूं, इसलिए मुझे उल्टा लटका दो. उसका मौत के बारे में यहां पर लिखा है. देखो, कल तक पत्रोस कहता था मैं सब जानता हूं, लेकिन टूट गया वह पत्रोस कहता कि मैं नहीं जानता, तू सब जानता है. टूट गया पत्रोस का कासित क्या है? वो अपना मर्जी से नहीं जाता बल्कि दूसरा कोई उसको पकड़कर उसको लेके जाता है. यीशु ने रोटी ली, शुक्रगुजार कर उसको क्या कर दिया. कितने लोगों को मेरा ये बातों को समझ में आ रहा है कि खुदावन का रूह आपसे कह रहा है कि तू और टूटने के लिए है बाकी है. खुदावन का रूह कह रहा है कि आपसे और थुटना बाकी है. प्रेज लॉर्ड. जितना तोड़ेगा उतना खा सकता है. एक रोटी को दो करेंगे तो दो लोग खा सकेंगे, तीन तोड़ेंगे तो तीन. जितना थुटेगा उतना फायदामंद होने के लिए खुदावन इस्तेमाल करेगा. आज बाइबल में कलाम उठाकर बात करने वाले खुदावन के खादिम लोगों के कलाम हमको क्यों छूता है? उसका कारण क्या मालूम है? उनकी जिंदगी के किधर तो अंधेरे में खुदावन ने उनको तोड़ दिया है, वो किसी ने नहीं देखा है. प्रेज गॉड. तो यीशु ने रोटी लेकर शुक्रगुजार कर उसको क्या कर दिया? तोड़ा. आगे पढ़ो उसे. और कहा कि ये मेरा
एक बात मैं बताता हूँ, ये होली कम्युनियन बिलीवर्स लोगों के लिए काली है, ये अनबिलीवर्स लोगों के लिए नहीं, अविश्वासी लोगों के लिए। पाकिस्तान में क्या पता नहीं, इंडिया में बहुत सारे महान लोग सिखाते हैं, ये अविश्वासी लोग भी कह सकते हैं। ऐसा बाइबल में व्यवस्था नहीं है। आप लोग मुझे पूछेंगे, जब यीशु ने ये शुरू किया तो चर्च नहीं था, चर्च नहीं था सच है, लेकिन यीशु ने अपने चेलों को ही काली दिया, प्रेज़ लॉर्ड, अविश्वासियों को नहीं दिया। तो ये होली कम्युनियन इट इज ओनली फॉर बिलीवर्स, ये सच्चाई आपके दिल की गहराई में उतर किया जाए। अविश्वासियों को देखकर विश्वासी बनाने का काम नहीं है इसमें, बल्कि विश्वासियों के लिए। आज यहाँ पर जल में उतर के बपतिस्मा लिए हुआ, तौबा किए हुआ और विश्वास किए हुए लोगों के लिए है ये होली कम्युनियन, प्रेज़ लॉर्ड। उसने तोड़ कर क्या किया, शुक्रगुजार किया और कहा कि ये मेरा शरीर है। दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी हम इस रोटी पर हाथ रखकर जब भी दुआ करेंगे, ये रोटी कभी भी यीशु का बदन नहीं बनता, प्रेज लॉर्ड, ऐसा सिखाता है रोमन कैथोलिक चर्च। क्या कि जब भी दुआ करते हैं तो ये रोटी यीशु का बदन में बदल जाते हैं, जब भी दाकरस में हाथ रखकर दुआ करते हैं तो ये दाकरस यीशु का लहू में बदल जाता है। रॉन्ग टीचिंग है। यीशु ने जब भी रोटी और दाकरस दिया तो यीशु ने रोटी देकर कहा कि ये मेरा शरीर है, यीशु ने बोला था अपने चेलों को, राइट। तो यीशु ने क्या दिया, रोटी दिया था कि उनका शरीर दिया था, रोटी दिया। तो यीशु का कहने का मतलब ये सिंबॉलिक है, ये एक उदाहरण है, मेरा शरीर जैसा ये रोटी को जिस तरह तुम तोड़ोगे तुम्हारे लिए ये शरीर ये बदन टूट गया है, प्रेज गॉड। इब्रानी की कत 10 में जरा आएंगे, इब्रानी की कत 10 का 5 से जरा जोर से पढ़ेंगे, इब्रानी 10 का 5 से। हाँ, इसी कारण वो जगत में आते, हाँ, आते समय कहता है, हाँ, बलिदान और भेंट तूने ना चाहे, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहे, मेरे लिए एक देह तैयार की, बल्कि मेरे लिए एक बदन को तैयार की। हाँ, हाँ, और पाप बलियों से तुम प्रसन्न नहीं हुआ, हाँ, तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, लिखा गया है, ताकि हे परमेश्वर, हाँ, तेरी इच्छा पूरी करो, तेरी इच्छा को मैं क्या करूँ। यीशु बाप से कहता है कि तूने मुझे एक बदन दिया है, जानवरों का बदन से, जानवरों के खून से कभी भी पाप की मुक्ति नहीं होता, इसलिए बाप तूने मुझे एक बदन दिया है, ये बदन किसके लिए, तेरी मर्जी को करने के लिए मैं आया हूं। क्या है तेरी मर्जी, कि ये बदन सूली पर जाकर हमारे लिए थुकड़ा होकर उसके लहू से मुझे और आप लोगों को शांति समाधान मिलने के लिए। आपको मालूम है जब यीशु को सूली में मरने के बाद दो चोरों का पैर को तोड़ दिया, यीशु का पैर को तोड़ने के आने के वक्त देखा कि यीशु का ऑलरेडी क्या हुआ है, जान चले गए हैं। वहां पर एक सोल्जर ने क्या किया, एक बड़ा सा स्पीयर लेकर उसके साइड में क्या कर दिया, मार दिया। क्या निकला वहां से, पानी और खून, प्रेज गॉड। यूहन्ना ने जानबूझकर वह चीज को वहां पर जिक्र किया है दो बात बताने के लिए, सबसे पहला कि आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने आखिरी बूंद लहू भी दे दिया, दूसरा क्या बताने के लिए मालूम है, पानी साफ करता है, लहू माफ करता है, पानी क्या करता है, साफ करता है, और लहू क्या करता है, ऐसा मिला है क्या मुझे और आप लोगों को, प्रेज़ गॉड। वो छेदे गए वे शरीर को आज हम लोग याद करें, छूटा वो शरीर को याद करेंगे, दोबारा गुनाह के लिए अपने पैरों को नहीं रखना। हाँ, तोड़कर ये मेरा बदन है, आगे पढ़ो उसे। तब बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, नहीं नहीं, पहला कुरिंथियों 11 का 24, जो तुम्हारे लिए है, हाँ, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आगे, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, हाँ, और कहा ये प्याला मेरे खून में नया है। ये प्याले के अंदर क्या है, ये प्याले के अंदर क्या, ये प्याले के अंदर रेड ग्रेप जूस,
ये ग्रेप किधर से आया, ये अंगूर किधर से आया, ये पीस कर उसका पूरा रस निकाल कर बनाया हुआ है। पीने वाले को तो बहुत पीन कर कहेगा कि बहुत ही मीठा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अंगूर किसी के नीचे दबकर प्रेस होकर आप लोगों को और मुझे टेस्ट दिया है। इसी तरह यीशु का बदन उस गोलगोता के उस सूली पर पूरी तरह खुदावन के कहर के नीचे क्या हो गया, प्रेस होकर, और उसका लहू सिंबॉलिक हमारे सामने है। ये जब हम लोग पीते हैं तो उसके बलिदान को याद करना, उसका लहू मेरे गाड़ी पर नहीं, मेरे घर पर नहीं, मेरे किसी चीज पर नहीं, उसका लहू मेरे दिल पर छिड़क लिया। इसलिए आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करके बुला सकता हूँ। वो रस वो खून को जब हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह वहां पर पीड़ा सहा, उस पीड़ा को याद करना। किसके कहर के नीचे, रोमियों के कहर के नीचे नहीं, यहूदियों के कहर के नीचे नहीं, बल्कि अपने बाप के कहर के नीचे। कंप्लीट तबाह हो गए, प्रेज गॉड। उसके याद के लिए मैं और आप लोग इसको मनाते हैं आज, बपतिस्मा लिए हुए लोग और खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, बपतिस्मा बाप बेटे रूल कुदुस के नाम से लिए हुए लोग, तौबा किए हुए लोग, ईमान लाए हुए लोग, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं एक बात आप लोग से क्लियर कहता हूँ, गुटखा खाने वाला इसमें हाथ नहीं लगाना, सिगरेट पीने वाला हाथ नहीं लगाना, गंदा मूवी देखने वाला इसमें हाथ नहीं लगाना, प्रेज़ द लॉर्ड, फिल्म गीत सुनने वाला अभी भी सुन के आए हुए लोग इसमें हाथ नहीं लगाना। अगर आपको हाथ लगाना है तो उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा कर तौबा करने के बाद ही इसमें हाथ लगाना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये कलीसिया का नहीं, ये खुदावन का है। पढ़िए उससे उसका 27वां वचन, पहला कुरिन्थियों 11 का 27 से जरा पढ़े। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, नामुनासिब तौर से हाथ नहीं बढ़ाना इसमें, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी को अगर आपने माफ नहीं किया है तो हाथ नहीं बढ़ाना, तौबा कर वो आदमी से माफ मांगने के बाद ही इसमें हाथ बढ़ाना। हाँ, मुनासिब ना मुनासिब तौर से, हाँ पढ़े। हाँ, उसके प्याले में से पिए, हाँ आदमी अपने आप को क्या करना, हाँ मैं इधर बोलेगा तो आजू बाजू में नहीं देखना, हाँ तेरे लिए ऐसा नहीं बोलना, फिर क्या बोलना, अपने आप को आसमाना, एग्जामिन योर सेल्फ, प्रेज गॉड। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, खुदावंत के दिन के लिए कहर को तू बढ़ा रहा है। आज मैंने नापाकी से लेगे तो खुदावंत का कहर में एक और ऐड हो गया, अगले हफ्ता लेगा तो और ऐड हो गया, देखो नापाकी से लेगा तो केयर को बढ़ा रहा है। अपन तो नॉर्मल लगेगा, मरेगा नहीं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन खुदावन के दिन जाएगा तो केयर बढ़ गया है, क्योंकि नापाकी से इसमें आप बढ़ाया है। इसीलिए अपने आप को जांच कर इसमें आप बढ़ाना है। आगे बढ़ो सिस्टर्स, आदमी अपने आप को आजमा ले, हाँ पिए, हाँ सजा पाएगा, हाँ बतेरे कमजोर और क्या है, बीमार है, हाँ बहुत भी क्या हो गए, सो भी गए, सो मतलब घर में सोने का बात नहीं, मरने के बात कर रहे हैं, प्रेज गॉड। आगे अगर हम अपने आप को जांचते हैं सा सजा ना पाते, आगे हाँ देखें, इसमें मुनासिब तौर पे ना मुनासिब तौर से हाथ लगाएंगे तो सजा मिलेगा, बीमार होंगे, मरेंगे करके सब लिखा है। तो पॉजिटिव बात बताऊं, अगर अपने आप को जांच कर सफाई से इसमें हाथ बढ़ाएगा तो यीशु मसीह का चंगाई मिलेगा। विश्वास करते हैं क्या आप लोग हैं, हालेलुया।
यीशु मसीह का चंगाई, यीशु मसीह का शांति, उसका समाधान मुझे और आप लोगों को मिलेगा। जो लोग मैंने ये बोला हुआ बातें मानकर इसमें हाथ बढ़ाना चाहते हैं अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर बाप बेटे रूल कुदस के नाम पर बपतिस्मा लिए वे लोग, और खुदावन के साथ इंसान के साथ सुकूनत में रहने वाले लोग, पवित्र जिंदगी, पाक जिंदगी बिताने वाले लोग अपने हाथों को बढ़ाएंगे और इसमें शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर। फैजल ब्रदर आगे आएंगे, गीतों को गाएंगे, उस वक्त हम लोग मिलकर गीतों को गाएंगे। अनुराग ब्रदर, टेनिस ब्रदर, आमिर ब्रदर और फिराज ब्रदर, आप लोग आगे आएँ।